खबर वो जिले से है जहां संजय गांधी अस्पताल के गायनिकी विभाग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बीनू सिंह के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मरीज के साथ डॉक्टरों के व्यवहार एवं संतोषजनक इलाज के लिए नए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी गई। वार्षिक रिपोर्ट डॉक्टर क्षमा विश्वकर्मा सह प्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें सिजेरियन डिलीवरी कम एवं नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा करवाने के लिए प्रेरित किया गया। डॉक्टर पद्मा शुक्ला सह प्राध्यापक ने पीजी छात्रों को शोध कैसे किया जाए यह जानकारी दी। डॉक्टर नेहा खटिक ने लेबर रूम एवं ओटी के प्रोटोकॉल एवं और सुविधाएं बढ़ाने के लिए जानकारी दी। डॉक्टर शीतल पटेल सहायक प्राध्यापक ने सम्मानजनक मेटर्निटी केयर के लिए जानकारी दी। इसी विषय पर एक नाटिका डॉक्टर सैलजा सोनी एवं जूनियर डॉक्टरों द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रियंका परौहा एवं डॉक्टर सैलजा सोनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की सफलता एवं रूपरेखा का पूर्ण श्रेय डॉक्टर बीनू सिंह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष की ओर जाता है। इस कार्यक्रम में जननी सुरक्षा टीम एएनएम ओटी स्टाफ सिस्टर एवं सहयोगी स्टाफ को पुरस्कार शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गायनी विभाग द्वारा नव वर्ष भी मनाया गया एवं नई शुभकामनाओं एवं हर्ष से विचारों को अपनाया गया, जिससे समाज में डॉक्टर के प्रति विश्वास मजबूत हो सके। लीजिए मैडम, इनके कागज हैं, अभी तक दिखाती थी, यहीं दिखाती थी, चार बार दिखा चुकी हैं। चार बार कितने महीने में? जी दो दो महीने में आती थी। दो दो महीने में? अच्छा, यहाँ पर कौन सा बच्चा है? दूसरा बच्चा है मैडम। कब आया था आपकी बार महीना? 22 अप्रैल को आया था मैडम। पहला बच्चा कैसे हुआ था? ऑपरेशन से हुआ था मैम। ऑपरेशन मैडम, वो आई थी, भाभी को तो हल्का हल्का खून जा रहा था, आते ही बात कर ली। हाँ, हम लोगों ने बात कर ली मैडम जी, और हम लोग जैसा मैडम आप जैसा आप जैसा बोले हम करने तैयार। आप फिर भर्ती हो जाइए और कॉपर टीम ही लगा दीजिए। बहुत बदतमीजी कर रही हूँ डॉक्टर साहब, बाहर देख लेंगे तो देना पड़ेगा, बिना खून के भर्ती नहीं करेंगे। सफेद स्कूटी में आती हूँ हमें पता है, हम निकालने हैं। चलो अपन बाहर इनको दे रही हूँ। अब बेस्ट पॉसिबल काम किया है, यू ऑल पीजी शुड लर्न फ्रॉम दैट। Yes. ये कार्यक्रम रखा है, पहला तो ये न्यू वर्ष जो 2023 है इसके लिए रखा गया है, सबको शुभकामनाएं देने के लिए। और हमारे जो नए पीजीज आए हैं डिपार्टमेंट में, नए पोस्ट ग्रेजुएट आए हैं फर्स्ट ईयर, उनकी इंडक्शन प्रोग्राम है ये, जिसमें उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना है, किस तरह से पेशेंट केयर करनी है, कैसे उसको अटेंड करना है और किस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये प्रोटोकॉल वगैरह उनको पूरे अच्छे से डिटेल में समझाए जा रहे हैं, और जो भी उनकी व्यक्तिगत जो भी परेशानियाँ हैं उनको भी कुछ दूर करते हुए, और इस डिपार्टमेंट के मरीजों के लिए और डिपार्टमेंट की ग्रोथ के लिए जो भी किया जा सकता है उसका हम सब यहाँ पर विस्तृत कार्यक्रम रख रहे हैं। क्या? मेरा नाम डॉक्टर शैलजा सोनी, ऑब्स्टेट्रिक गायनेक डिपार्टमेंट। हो गए हैं जिससे कि हमको पेशेंट्स को केयर देने में काफ़ी हेल्प होगी। हम लोग चाहेंगे कि डॉक्टर के नंबर बढ़ने से जो फ़ायदा मिलना चाहिए सबको वो मिले, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमने एक पीजी इंट्रोडक्शन एंड इंडक्शन, जिसमें ये जो नए स्टूडेंट्स आए हैं ये अपने बारे में सबको बता रहे हैं कि वो कहाँ के हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। साथ ही में हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं,
वो इन स्टूडेंट्स को सिखाएंगे कि अस्पताल में आने के बाद एक पीजी स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारियां होना चाहिए। इसमें खास ध्यान दिया जा रहा है रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर पे, मतलब एक मदर जो ट्रीटमेंट लेने के लिए अस्पताल में आती है उससे किस तरीके से हम अच्छे ढंग से बात करें। अभी तक हमारे डिपार्टमेंट की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, स्टाफ भी कम था, स्टूडेंट कम थे, उनकी ड्यूटीज़ बहुत हो रही थी, तो कभी कभी झुंझलाहट के कारण उनका व्यवहार शायद मरीजों के साथ उतना अच्छा नहीं रह पाता था। पर अब वे संख्या में बढ़ गए हैं तो हम उनको सिखा रहे हैं कि आप अपने डे टू डे प्रैक्टिस में कैसे अपने आप को अच्छे से व्यवहार करके पेशेंट के सामने और पेशेंट से भी अच्छा व्यवहार वापस ले सकते हैं, क्योंकि पेशेंट भी एक डॉक्टर की रेस्पेक्ट तभी करेगा जब वो देखेगा कि डॉक्टर उसकी बात को समझ रहा है। ये गायनी विभाग का सेमिनार है, तो क्या जो माताएं डिलीवरी के लिए आती हैं उनको परेशानियां बहुत सारी रहती हैं, उनका कैसे समाधान होगा? जी, इन्हीं इसी फैक्ट को हम लोगों ने रियलाइज किया कि शायद जनता तक हमारी उतनी अच्छी इमेज नहीं जा पा रही, पेशेंट बहुत ज्यादा, डॉक्टर कम, तो ऐसा हो जाता है। पर अब क्योंकि हमारी नई जनरेशन ज़्यादा संख्या में भी आई है तो हम पूरी कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए कर रहे हैं कि उनको अच्छी आदतें सिखाएं जिससे कि वो एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छा उदाहरण आम जनता के सामने प्रस्तुत कर सकें। मैं डॉक्टर बीनू सिंह विभागाध्यक्ष हूँ यहाँ पर, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभाग जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग है GMH अस्पताल का, जो कि श्यामशा मेडिकल कॉलेज रीवा से एसोसिएटेड है, और हम लोगों ने आज यहाँ नए पीजीज के इंट्रोडक्शन के लिए एक दिन का सेमिनार रखा हुआ है।